कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, फेस से आप लोग समझ सकते हो कि मेरा फेस इतना डल के लग रहा है। तो आज है मेरा फास्टिंग और आज है जितिया व्रत, जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए व्रत रखी हूँ। तो ये व्रत मैं 4 साल से रख रही हूँ और आज भी मैंने रखा है। अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। जो भी कुछ होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैंने नहाया धोया कुछ भी नहीं है, तो अभी थोड़ी देर बाद ही नहाऊंगी, 1.5 घंटा बाद ही नहाऊंगी अभी। तो सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, जो कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा बेडरूम का अलमीरा, जो कि देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है। और अभी मैं वही देख रही थी, तो वही सोच रही थी कि मेरे यहाँ अभी मतलब ससुराल में जो है यहाँ रखने का कितना जगह है, स्पेस है रखने का, हर सामान कपड़े वगैरह जो भी कुछ रख सको, स्पेस का कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं अभी रह रही हूँ बाबू को पढ़ाने के लिए मुजफ्फरपुर में, तो हम लोगों ने वहाँ रेंट पे रूम लिया है। तो सोचना पड़ता है कि सामान कहाँ पे एडजस्ट करो, कपड़े कहाँ रखो। और अभी फ़िलहाल में मैंने नया रूम लिया है, तो उसमें तो और रैक वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े रखने में। तो ही मैं सोच रही थी वहाँ पे रैक वगैरह है नहीं तो कहाँ एडजस्ट करूँगी। और यहाँ पे मैं हूँ, लेटी हुई हूँ, और पापा बेटा अभी गया है पे बाहर। तो देख सकते हो बैग वगैरह पूरा फैला के यहाँ पे गया है दोनों। तो और यहाँ मैं देख रही हूँ अपने फेस को, क्योंकि अभी मैं थ्रेडिंग कराए हुए मुझे 1 महीने हो गए, 1 महीने से ज़्यादा हो गए। मैं रक्षाबंधन के टाइम में ही कराई थी, तो अभी 1 महीना से ज़्यादा हो गया है। और घर का हाल देखिए इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं इसको समेट लेती हूँ। कान्हा जी और बुद्धा भगवान, तो देख सकते हो यहाँ ये मुझे अपनी मेरी बहन की शादी में गिफ्ट मिला था, तो मैंने इसको अच्छे से सजा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बच्चे सबका मस्ती भी देख लीजिए आप लोग। हाँ बोली। बोली ए बोली। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गए थे, इस टाइम 2 बज गए थे और अभी पूजा करने का टाइम हो गया था। तो अभी मैं लेट गई थी और टाइम देखा तो मैंने सोचा कि चलो अब जल्दी से नहा लेती हूँ, कि पूजा कर लेती हूँ जल्दी से जाके। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी मैं निकाल रही हूँ साड़ी और नहा लेती हूँ जल्दी से और पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद कथा वगैरह सुनना है। तो चलो, तो गाइस यहाँ पे मैं अभी नहा के आ गई थी और यहाँ पे मैं सोची कि चलो थोड़ा सा मेकअप कर लूँ। तो यहाँ पे कर रही हूँ मेकअप, तो मैंने यहाँ फेयर एंड लवली लिया है और उसमें थोड़ा सा मिक्स किया है सीसी क्रीम, और दोनों को मैं अभी मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और इसी से ऐसा मतलब होता है ना कि मुझे कहीं जाना रहता है या तैयार होना रहता है, तो मैं इसी से मेकअप करती हूँ। फेयर एंड लवली में सीसी क्रीम को मिक्स किया और अच्छे से इसी तरीके से लगा लेती हूँ, नहीं तो रोज़ाना में मैं ज़्यादा फेयर एंड लवली ही यूज़ करती हूँ, सीसी क्रीम बहुत कम। तो इसी तरह से मैं सोची कि थोड़ा आज पूजा है तो थोड़ा अच्छे तरीके से रेडी हो जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने मिक्स किया फेयर एंड लवली में सीसी क्रीम, थोड़ा सा ही इसमें मिक्स किया है। और अच्छे से मैं अपने हाथों से ही ब्लेंड कर लेती हूँ, ऐसे मुझे हाथ से ही अपना ब्लेंड करती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है।
वैसे मेरे पास है ब्यूटी ब्लेंडर भी है और ब्रश भी है, तो मैं ज़्यादा अपने हाथ से ही यूज करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं अभी फुल रेडी हो गई थी, सिंदूर वगैरह और कंघी भी मैंने कर लिया है, सिंदूर लगा लिया है, लाइनर मस्कारा लिपस्टिक जो भी है मैंने यहाँ पे लगा लिया है। ज़्यादा मैं रेडी नहीं हुई हूँ, बस सिंपल ही रेडी हुई हूँ। जो होता है ना फाउंडेशन कंसीलर वगैरह से मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाया, आप लोगों ने देखा कि मैं बस बेबी क्रीम और फेयर एंड लवली ही यूज की। और उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। और ये साड़ी चुंदरी साड़ी है, ऑरेंज कलर की साड़ी है, कैसा लग रहा है आप लोग बताना। तो मैं चलो अब जाती हूँ, जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने, और मैं अभी कैसे करूँगी वो मैं बताऊँगी। और वे मैं अपने लिए भी सोचती हूँ सेव करके रख लूँ कि फिर आगे चल के मुझे याद नहीं आए तो मैं इसको देख के आगे चल के पूजा कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 झिगनी के पत्ता, जो कि हम लोगों के यहाँ झिगनी के पत्ता ही बोला जाता है, और जगह क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ मैंने 3 झुगनी के पत्ता लिया है और 3 बेलपत्र का पत्ता लिया है, और उसमें बेलपत्र का जो पत्ता होता है उसमें मैंने सरसों तेल अच्छे से लगाया है। मेरे ससुराल में इसी तरीके से पूजा होता है, मेरी सासू माँ जैसे बताया मैंने वैसे ही किया। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूजा कर लिया है, जो कि 3 बेलपत्र मैंने जो भी तेल लगाया था जिसकी बताया आप लोगों को, तो उसको मैंने तीन तीन जगह चढ़ा दिया था, एक जितवान भगवान के यहाँ कर पर और एक चिल सियारो और एक लक्ष्मी नारायण। तो 3 जगह मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया, और जो जितिया होता है जो पहना जाता है तो उसी पर मैंने वहाँ डाल दिया है। और अभी मैं मुझे कथा सुननी बाकी है, तो मुझे मैं अभी कथा सुनूंगी। तो घर का जो भी पूजा है मैंने कर लिया है, वैसे तो मेरे मायके में अच्छे से होता है, मतलब एक जगह सब लोग बैठ के पूजा करते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में शुरू से मैं ऐसे ही देखती हूँ, मेरी सासू में ऐसे ही बताई है पूजा करने के लिए, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैं घर में पूजा कर ली थी, अभी कथा सुननी बाकी थी। तो कथा मेरी जेठानी कहती है, तो अभी उनको थोड़ा सा लेट था कथा कहने में, तो मैं यहाँ पे अपने घर में पूजा कर ली। और अभी मैं थोड़ा सा ऐसे ही बरांडे पे अपने टहल रही हूँ। अभी मौसम बहुत ही अच्छा था, तो ज़्यादा उतना मतलब प्यास नहीं लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा था तो पता नहीं चल रहा था कि मैं फास्टिंग में हूँ। और यहाँ पे जो भी है घर का पूजा देखाने आपने कर लिया मैंने, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो अभी मैं आ गई थी अभी कथा सुन के, जो कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अभी शाम के टाइम हो गया था, अभी टाइम 5 या 6 बज गए थे, और लेट से ही हम लोगों ने कथा सुना, तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया मुझसे, तो सॉरी उसके लिए। और अभी मैं कथा वगैरह सुन ली हूँ, और रात भर जल्दी से कट जाए, क्योंकि आज रात भर ही पानी नहीं पीना है, खाना भी तो नहीं खाना है, सुबह में ही पारण होगा। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट दिन का वीडियो है, अभी मैं पारण कर ली हूँ, सुबह मैं जल्दी से उठी और नहाकर जल्दी से पूजा किया 3 जगह, जो कि भगवान जी के यहाँ प्रसाद चढ़ाया गया है। इसी तरह झिगनी के पत्ता 3 पत्ता में मैंने भगवान जी पर जो भी है फल वगैरह जो भी मैंने चढ़ाया, और केराव जो होता है हम लोग क्या उसी को पी के उसी को सॉरी खा के और निगल के, और गाय का दूध होता है उसको पीकर मैंने पारण किया। और यहाँ पे मैंने खाना बना भी खा लिया था, सब कुछ मेरा हो गया था इस टाइम, और अच्छे से मेरा पारण हो गया। तो यही था वीडियो, जो भी हुआ मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, ज़्यादा मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जो भी था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो मैं खुद के लिए बना रही हूँ कि चलो आगे चल के अगर मुझे याद नहीं रहा है तो मैं ये वीडियो देख के पूजा कर सकूँ। तो बस यही था वीडियो आज का, आई होप आज को आप लोगों को पसंद आए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।